तो दोस्तों भाई ब्रेड पकौड़ा तो आपने बहुत बार बनाया होगा। बारिश का मौसम है तो इस टाइम तो हर घर में ब्रेड पकौड़ा बनता ही रहता है। पर क्या कभी आपने ब्रेड का आटा गूंथ कर ब्रेड कचौड़ी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो चलिए आज बनाते हैं। और भाई ये आलू ब्रेड कचौड़ी ना स्पेशली उन लोगों के बहुत काम आने वाला है जो कि बैचलर्स और बिगनर्स हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आटा ख़त्म हो जाता है, आटा घर से आ नहीं पाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बाहर रहते हैं घर से दूर वो घर से भी आटा मंगवाते हैं लेकिन कई बार नहीं आ पाता है। तो उस टाइम आप ये आलू की कचौड़ी बना सकते हैं ब्रेड का आटा गूंथ कर। तो देखिए हमने पैन में सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ऑयल जब गर्म हो गया तो उसमें हमने जीरा ऐड कर दिया। और देखिए जीरा अच्छे से चटक गया ना, जब कलर चेंज हो गया जीरा का, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 5 बॉइल्ड आलू मैश किए हुए। इन्हें हमने पहले से ही मैश करके रख लिया था जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए क्योंकि भाई बड़े बड़े वीडियो देखने में लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का ज़माना 1 मिनट 15 सेकेंड इसी में सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अवेलेबल नहीं है कि सब कुछ 1 मिनट आधे मिनट में सिखा दिया जाए। अगर आप प्रॉपरली अच्छे से सीखना चाहते हैं कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेगा। और देखिए अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, और ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला से ना कचौड़ी का स्वाद और भी बहुत बेहतरीन आएगा। और साथ में हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है, 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्च हैं। और अब हमें मसाले को आलू के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। और देखिए 3 से 4 मिनट तक हमने आलू को अच्छे से भून लिया है, मसाला भी साथ में अच्छे से भुन चुका है। और देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आधा देखिए हमने एक कटोरी काट के रखा होता लेकिन आधा ही हमने इसमें ऐड किया है। और 2 चम्मच हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं चाट मसाला, और 1 चम्मच हमने ऐड किया है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो देखिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप ज़रूर ऐड करें, टेस्ट और अच्छा आएगा, लेकिन अगर नहीं है कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, बिना ऑरिगेनो के भी टेस्ट अच्छा आएगा। और चाट मसाला, धनिया पत्ता, ऑरिगेनो को मिक्स करने के बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हमें मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से ये भुन चुका है। तो अब हम इसे निकाल ले रहे हैं अलग बर्तन में, और बहुत अभी गर्म है ना, इससे भी हम कचौड़ी नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे तभी हम कचौड़ी बनाएंगे। गरम गरम अगर भर देंगे ना तो कचौड़ी फूट जाएंगी, तो इसे आप ठंडा हो जाने दीजिए तब कचौड़ी बनाएं। और देखिए भाई ब्रेड कचौड़ी बना रहे हैं ना, तो इसमें हम ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 11 ब्रेड ली हुई हैं और स्लाइस हमने ऑलरेडी ब्रेड की काट दी हैं, तो किनारियाँ काटने के बाद ही आटा गूंथें वरना इसका आटा अच्छा नहीं गूंथेगा। और अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना है इस तरह से छोटे छोटे पीस में। ये देखिए ब्रेड को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आटा गूंथना है तो इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल नहीं, आप बस ब्रेड को इस तरह से तोड़ लीजिए। तो देखिए ये सभी ब्रेड हमने तोड़ लिए हैं, अब हमें इसका आटा लगाना है ना, डो बनाना है, तो इसमें थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। 1 ग्लास पानी लिया लेकिन देखिए हमने ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है क्योंकि ब्रेड एकदम से गीली हो जाएगी ना तो अच्छा आटा नहीं गूंथेगा। उसका हमें बहुत नरम भी नहीं डो बनाना है और बहुत टाइट नहीं। एक बात का ध्यान रखें, जैसे कचौड़ी बनाते हैं ना आलू की कचौड़ी, तो उसका आटा हल्का नरम रहता है, बस उस तरह का आटा आपको इसका गूंथना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं गूंथना है कि पूड़ी वाला आटा गूंथते, ऐसा ना करिएगा। नरम आटा जितना रखेंगे ना आप इसका, उतनी अच्छी कचौड़ी बनेंगी और कचौड़ी फटेंगी नहीं। अगर आटा टाइट हुआ तो कचौड़ी तलते समय फट जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और हम इसे आराम से गूंथ रहे हैं। ये देखिए बहुत जल्दी गूंथ जाता है इसका आटा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। देखिए आधी धनिया पत्ती तो हमने आलू वाले मसाले में ऐड कर दी थी और आधी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इससे ना और ज़्यादा चटपटी बनेगी कचौड़ी। उसमें भी हमने मिर्च ऐड की और इसमें भी, तो अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। और देखिए इसमें हमने ना नमक ऐड नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे जब हम आटा गूंथते हैं कचौड़ी के लिए तो इसमें नमक ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि आलू का जो मसाला है ना उसमें नमक, चाट मसाला और ऑरिगेनो में भी नमक होता है थोड़ा, तो इसलिए उसमें नमक एकदम परफेक्ट है, इसीलिए हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाएगा ना
तो खाते नहीं बनेगा। अगर आप चाहें तो इस आटे में नमक थोड़ा सा मिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके आलू मसाले में नमक थोड़ा कम होना चाहिए। हमारे में एकदम परफेक्ट है तो हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया। और देखिए, कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लोई बना ली है और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे ना तो ये इस तरह से बड़ी होती जाएगी। और ये कचौड़ी हम बेल के नहीं बनाएंगे, बस हाथ से ही बनाएंगे इस तरह से। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे लोई को, इसमें एक चम्मच मसाला रख देंगे, ज़्यादा मसाला मत रखिएगा। हाँ, अगर आपने लोई थोड़ा सा बड़ी ली है, पूड़ी जो इसकी हमने गोल गोल की ना, अगर थोड़ी बड़ी है तो आप उस तरह से मसाला रख लीजिए। हम छोटी छोटी कचौड़ी बना रहे हैं, जैसी बनती है ना हम लोग आलू वाली कचौड़ी बनाते हैं, बस उसी तरह से इसको इस तरह से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे आप आलू की कचौड़ी बनाते हैं, भरते हैं, बस उसी तरह से। आलू की कचौड़ी भी कई बार हम लोग नहीं बेलते हैं, तो इसे भी आप वही समझ लीजिए, इसे भी हम नहीं बेल रहे हैं। और इसके बाद देखिए, तिल यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए, मेरे पास रखे हुए थे तो हमने लगा दिए। और इस तरह से हाथ से देखिए दबा दे रहे हैं जिससे ये चिपक जाएं, ये देखिए, क्योंकि अगर हल्का हाथ से नहीं पुश करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं तिल इस पर। और ये देखिए भाई, हमारी आलू ब्रेड की कचौड़ी एक इस तरह से हमने बना ली है। और एक थाली में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, उसके बाद हम इस पर रख रहे हैं जिससे कि चिपके ना थाली पे। और उसी तरह से जैसे पहले हमने बनाई थी ना लोई से, उसी तरह से देखिए फिर से बना ले रहे हैं। बहुत टाइम नहीं लगता है ये कचौड़ी बनाने में। इसमें सबसे अच्छा ये है कि कभी कभार आटा ख़त्म हो जाए, आटा कम हो, तो उस टाइम अगर आपको कचौड़ी बनानी है इंस्टेंट, कोई घर में गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए और आपसे कह दिया जाए आलू की खस्ता कचौड़ी बना करके तैयार करनी है, तो अगर आपके पास ब्रेड रखी हुई है तो आप इस तरह से ब्रेड आलू की कचौड़ी बना करके सर्व कर सकते हैं। एक तो ये कचौड़ी बहुत क्रिस्पी भी होती है, बहुत खस्ता लगती हैं खाने में, हमने तो खाई है तो बहुत अच्छी लगी थी चाय के साथ। और इस टाइम तो बारिश का मौसम है ना, तो ये कचौड़ी और भी अच्छी लगेंगी। और देखिए, कचौड़ी जब हमने भरना स्टार्ट किया था ना, तभी हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और कचौड़ियाँ आप बहुत गर्म तेल में ना डालें कढ़ाई में, क्योंकि अगर बहुत गर्म तेल में आप डालेंगे ना कचौड़ियाँ तो अच्छे से पकेंगी नहीं। तो ये देखिए, एक साइड से कचौड़ी जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना, तो आप इन्हें पलट दीजिए दूसरे साइड। और देखिए, कचौड़ी से जो तिल अलग हो गए ना, इन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे स्टील की छन्नी से, स्टील की छन्नी से निकाल लेंगे और इसका भी यूज कर लेंगे, क्योंकि हाउसवाइफ कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने देती है। तो देखिए भाई, कचौड़ियाँ दोनों साइड से जब सिक जाएँ, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तब समझ जाइए कचौड़ी अच्छे से सिक चुकी हैं। तो लीजिए भाई, कुछ ही देर में हमारी ब्रेड आलू की खस्ता कचौड़ी बनकर के तैयार हो गई हैं। और देखिए, जो तिल कढ़ाई में छूट गए थे ना कचौड़ी से, वो हमने स्टील की छन्नी से निकाल लिए और कचौड़ी के ऊपर इस तरह से लगा दिए हैं, क्योंकि तिल ऑलरेडी भुने हुए हैं तो इनका टेस्ट तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और कचौड़ी के ऊपर इस तरह से अब तिल लगा करके किसी को सर्व करेंगे ना, तो उसे खाने में मज़ा आ जाएगा।